राजकीय अमृतकूट चिकित्सालय की सोनोग्राफी व्यवस्था अब पटरी पर आ गई है। चिकित्सालय प्रशासन ने पूर्व की पेंडेंसी का निस्तारण कर दिया। अब प्रतिदिन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सोनोग्राफी की जा रही है, जिसके कारण रोगियों को पूर्व में किए जाने वाले इंतजार की परेशानी से निजात मिली है। राजकीय अमृतकूट चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट साबिर हुसैन ने बताया कि विगत दिनों विशेषाधिकारी रोहताश सिंह तोमर ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी में चल रही पेंडेंसी पर चिंता प्रकट करते हुए शीघ्र ही इसे खत्म करने तथा शीघ्र प्रतिदिन जांच वाले रोगियों की सोनोग्राफी करने के निर्देश दिए थे। ओएसडी के निर्देश तथा अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान की ओर से की गई व्यवस्था के बाद रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारियों के अथक प्रयासों से पूर्व में चल रही पेंडेंसी को खत्म करते हुए अब अस्पताल में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सोनोग्राफी की जा रही है। हुसैन ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एकेएस तथा एमसीएच विंग में दोनों स्थानों पर प्रतिदिन 40 से 45 रोगियों की सोनोग्राफी की जा रही है। दोपहर 2 बजे तक के समय के बाद भी अगर कतार में 4-5 रोगी और बचते हैं तो कर्मचारी उनकी भी सोनोग्राफी कर रहे हैं, ताकि दूसरे दिन रोगी को वापस अस्पताल नहीं आना पड़े। साबिर हुसैन ने बताया कि अस्पताल में भर्ती रोगियों की सोनोग्राफी पहले की जाती है। उन्होंने बताया कि अगर किसी दिन रोगियों की संख्या बढ़ जाती है और कुछ रोगी बच जाते हैं तो अगले दिन सबसे पहले उन रोगियों की सोनोग्राफी की जाती है और उसके बाद उसी दिन कटी पर्ची के रोगियों की सोनोग्राफी की जाती है। रेडियोलॉजिस्ट साबिर हुसैन ने बताया कि अगर चिकित्सकों की ओर से जस्टिफाइड सोनोग्राफी लिखी जावे तो सारे रोगियों की सोनोग्राफी उसी दिन हो जाएगी और रोगियों को तारीख देने की नौबत नहीं आएगी। हुसैन ने बताया कि अस्पताल के मुख्य भवन तथा एमसीएच विंग में प्रतिदिन 40 से 50 रोगियों की अलग अलग सोनोग्राफी की जाती है। हमारे पीएमओ साहब की हम सब की मीटिंग ली थी, उसके अंदर दिए गए निर्देशक अनुसार उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी बहुत पेंडेंसी चल रही है। तो फिर हम लोगों ने अपने अथक प्रयास किए और हमने एक्स्ट्रा कार्य करते हुए अतिरिक्त कार्य करके हमने सारी पेंडेंसी ख़त्म कर दी और कल से हम कोई भी सोनोग्राफी की तारीख नहीं दे रहे हैं। इमरजेंसी पेशेंट को हम पहले करते हैं, भर्ती पेशेंट को पहले करते हैं, उसके बाद में जो व्यक्ति यहाँ लाइन में आकर पहले खड़े हो जाता है उसको प्रिफ्रेंसली उसके हिसाब से उसकी सोनोग्राफी पहले हो जाती है। और जो लास्ट के जो 5-10 पेशेंट जो लेट आते हैं, जो बच जाते हैं, उनको दूसरे दिन बुलाते हैं और दूसरे दिन बुलाकर फिर हम उनको, हमारे कर्मचारी को हमने कह रखा है कि जो कल के बचे पेशेंट जो थे उनको पहले करें। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी पेंडेंसी ख़त्म कर दी। हमने तारीख देने का जो सिस्टम जो था वो लगभग हमने ख़त्म कर दिया और हम अगर इसी तरीके की व्यवस्था रही और अगर जस्टिफाइड सोनोग्राफी अगर लिखी जाती रही तो फिर सारे मरीजों की सोनोग्राफी हो जाएगी। बस यही है कि जस्टिफाइड सोनोग्राफी लिखी जानी चाहिए, जिनको ज़रूरत हो उन्हीं को सोनोग्राफी लिखी जाए, तो ये सारी समस्या फिर वापस पैदा नहीं होगी, हमें तारीख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज की 40-45 सोनोग्राफी होती है मेन बिल्डिंग के अंदर और इतनी सोनोग्राफी 40-45 सोनोग्राफी एमसीएस के अंदर होती है। और लास्ट टाइम तक भी अगर कोई आता है और हमें लगता है कि ये सुबह से खड़ा है और उसके अभी तक सोनोग्राफी नहीं हुई तो हम उसको लास्ट टाइम तक भी करते हैं। और कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे भी आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम सुबह से खड़े हैं लेकिन अभी तक हमारी सोनोग्राफी नहीं हुई, तो हमारा जो साइन करके 2 बजे के बाद का भी जो टाइम होता है हमारे को 10-15-20 मिनट और रुक जाते हैं और लेकिन उसकी सोनोग्राफी करके जाते हैं।